अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरवॉर पीरियड के हवाले से। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि मैं एक इंटरवॉर पीरियड पे मैं सीरीज़ ऑफ वीडियो या वीडियो बनाऊंगा, तो मेरा ख्याल है कि इट इज़ गोइंग टू बी अ सीरीज़ ऑफ शॉर्ट वीडियोस। उतनी लंबी वीडियो नहीं होगी क्योंकि कुछ मेरे व्यूवर जो हैं वो उन्होंने मुझसे ये रिक्वेस्ट किया है कि मैं अपनी वीडियोज़ को थोड़ा सा शॉर्ट रखा करूँ। तो बेशक वो फिर तीन चार वीडियोस में बात फैल जाए, लेकिन वीडियो एक शॉर्ट होता है तो उनको उसको गो थ्रू करने में थोड़ी सी उनको आसानी हो जाएगी। तो ठीक है, मैं उस रिक्वेस्ट को रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं आज से ही कोशिश करता हूँ कि थोड़ी सी मैं शॉर्ट वीडियो बनाया करूँ। टॉपिक खैर है, वो एक वीडियो की बजाय दो तीन वीडियोज़ में कवर हो जाया करेगा, कोई मसला नहीं है। तो इंटरवॉर पीरियड, और आप फिर मुझे अपने कमेंट्स में बताइएगा कि वो आपको ये एक्सपेरिमेंट आपको कैसे लगा। अच्छा, इंटरवॉर पीरियड के को हम जब हम देखते हैं तो ये 1919 से लेके 1939 तक के था, 1919 से लेके 1939 तक का ये एक इंटरवॉर पीरियड था। इसको जो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी उसके बारे में कहा गया था कि ये है कि द वॉर दैट एंडेड ऑल वॉर्स। ये एक ऐसी जंग है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग मर गए थे, तो एक ऐसी जंग है जिसने तमाम जंगों को ख़त्म कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वजह उसकी यह है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ट्रीटी ऑफ वर्साया हो गया, जो कि उनको शायद एक्सेप्टेबल नहीं था जर्मन्स को, उसके बारे में हम थोड़ा बाद में आएंगे। लेकिन मैंने आपको पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि बिल्कुल जब जंग अपने अरूज पे थी 1917 में, सोवियत यूनियन के अंदर एक रशियन रेवोल्यूशन आ गया था, कॉम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आ गया था। ठीक है, अब ये जो कॉम्युनिस्ट रेवोल्यूशन आया था, ये बोल्शेविक्स जो था ये इसको लेके आए थे, और स्टालिन एक डिक्टेटर था। स्टालिन ने इस रेवोल्यूशन को किया था। आप कह सकते हैं कि इस रेवोल्यूशन को स्पीयर हेड किया था स्टालिन ने। ठीक है, इसमें जो जार निकोलस थे, निकोलस टू थे, जार निकोलस टू रशिया के जो थे, उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ ये एक रेवोल्यूशन आई थी, क्योंकि उन्होंने उस जंग में, पहली जंग अजीम के दौरान, उन्होंने रशिया लड़ रहा था, पार्टिसिपेट कर रहा था, लेकिन रशिया की हालत ख़राब हो रही थी, जंग में उनको मार पड़ रही थी, लोगों के अंदर डिसकॉन्टेंटमेंट था। और जब ये बॉल्शेविक्स ने जब इस चीज़ को प्रमोट करना शुरू कर दिया, तो उन्होंने कहा कि जनाब आप जंग में मत लड़ें, आप क्यों लड़ रहे हैं, आप लोग मर रहे हैं, और कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ को बचाने के लिए आप लोग, गरीब लोग या वर्किंग क्लास जो है वो मर रही है, तो पेजेंट्स मर रहे हैं, तो ये क्यों मर रहे हैं, हमारे सोल्जर्स मर रहे हैं, ये क्यों मर रहे हैं, तो हम इस वजह से इकोनॉमिकली बैकवर्ड जा रहे हैं और हम जंग में लड़ रहे हैं, एक फॉल्स आइडिया ऑफ नेशनलिज्म के तहत हम जा रहे हैं, लड़ रहे हैं और हम बैकवर्ड जा रहे हैं, हमें अपने इकोनॉमी के बारे में सोचना चाहिए। इस ख्याल को, जब हालात ख़राब हो गए थे, तो इसको लोगों ने बाय किया था, इसको बाय कर दिया लोगों ने कि हाँ जी बिल्कुल ये बात सही की जा रही है। फिर एक रेवोल्यूशन, जब एक फरवरी में एक रेवोल्यूशन आया, उस रेवोल्यूशन को एक लिबरल बुर्जुआ गवर्नमेंट जो है वो उस रेवोल्यूशन के नतीजे में कायम हो गई। उन्होंने कहा कि हम बहुत कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने जंग को कंटिन्यू रखा, वो जंग से नहीं निकले। ठीक है, और उन्होंने रिफॉर्म्स के बारे में कहा था, लेकिन वो रिफॉर्म्स की तरफ भी नहीं आए। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो जो बेचैनी थी, बेइत्मीनानी थी, डिसकॉन्टेंटमेंट जिसको हम कहते हैं, वो बढ़ने लग गई लोगों के अंदर, और रेडिकल मार्क्सिस्ट जो थे वो सोसाइटी के अंदर, मार्क्सिज्म तो ऑलरेडी उसका प्रचार हो रहा था, तो रेडिकल मार्क्सिस्ट जो थे वो सोसाइटी के अंदर, रशियन सोसाइटी के अंदर, वो परवान चढ़ने शुरू हो गए, वो आम मार्क्सिस्ट, रेडिकल मार्क्सिस्ट बन गए। ठीक है, और उस चीज़ ने फिर अक्टूबर रेवोल्यूशन की तरफ जो था वो लीड किया। तो फिर अक्टूबर रेवोल्यूशन में क्या हुआ कि जो लिबरल बुर्जुआ गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया गया। उस गवर्नमेंट को जब ओवरथ्रो कर दिया गया, उसको रिप्लेस कर दिया गया था एक कम्युनिस्ट एग्जीक्यूटिव पावर के साथ। ठीक है, और लेनिन उसका एक रेडिकल लीडर था, उसने बड़े रेडिकल मेजर्स उठाए हैं। उसने क्या किया कि उसने रीडिस्ट्रीब्यूशन जो ज़मीनों की थी अमंग द पेजेंट्स, ज़मीनें अरिस्टोक्रेट से लेके पेजेंट्स के अंदर जो है वो जागीरदारों से लेके किसानों दहकानों में कर दी उन्होंने। ठीक है, फैक्ट्रीज और वर्कर्स का उन्होंने कंट्रोल संभाल लिया, लेनिन या उस रेवोल्यूशन के जो मास्टरमाइंड थे उन्होंने। ठीक है, बैंक्स का कंट्रोल ले लिया, ट्रांसपोर्ट सिस्टम का उन्होंने कंट्रोल इसमें उठाया, उसने इकोनॉमी के मुख्तलिफ सेक्टर्स का कंट्रोल ले लिया। ठीक है, फिर उसके बाद पॉलिटिकल पावर जो थी वो सोवियट्स, जो काउंसिल्स ऑफ द वर्कर्स एंड द पेजेंट्स, उसको सोवियट्स कहा जाता था, तो वो उस सोवियट्स के पास आ गए। शुरू में सोवियट्स को फ्रीली इलेक्ट किया जा रहा था। ठीक है, लेकिन बाद में वो एक कंट्रोल्ड कम्युनिस्ट किस्म की बॉडीज़ बन गई, और उसको फिर वो फ्री इलेक्शन जो था वो उसके बाद नहीं हुआ। फिर 1918 के अंदर एक सिविल वॉर जो थी वो बरपा हो गई,
अक्टूबर 1917 में तो रेवोल्यूशन आ गया, ये सारे मेजर्स हो गए जो मैंने बताया। 1918 में फिर एक सिविल वॉर हो गई। अब उसमें क्या हुआ कि जो ज़ारिस्ट थे, जो लिबरल्स थे, या बहुत और एंटी कम्युनिस्ट लोग जो थे, उन एंटी कम्युनिस्ट लोगों ने इन कम्युनिस्ट के खिलाफ जंग छेड़ दी। अब ये सिविल वॉर हो गई, लेकिन इसमें इनको डिफीट हो गई, और इस तरीके से एक कम्युनिस्ट रूल जो था वो रशिया के अंदर मजीद जो था वो मुस्तहकम हो गया। वो इनकलाब जब नाकाम हुआ, फिर 1921 से लेके 1924 तक लेनिन जो थे वो मुल्क को चला रहे थे, यूएसएसआर को, जिसको यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स कहते हैं। और फिर 1924 में लेनिन जो थे वो मार दिए गए या मर गए, ठीक है, आप उस इस तरह कह सकते हैं। और यहाँ तक बात आ जाती है सोवियत रेवोल्यूशन की, ये सारा इंटरवॉर पीरियड में आ जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ इंटरवॉर पीरियड के एक और एस्पेक्ट पे बात होगी। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।